सबसे पहले मेंडल के वर्किंग ईयर्स 1856 से लेके 1863, ये क्वेश्चन भी आया था नीट में, और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, ये सबको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेंडेलियन ट्रेट्स। देखो ये सिंपल साइज में लॉजिक ढूंढना, दो है फ्लावर के, दो है सीड के, दो है पोड के, और एक एक है स्टेम का। दो फ्लावर, दो सीड, दो पोड, एक स्टेम, और इसमें डोमिनेंट कौन से हैं, रिसेसिव कौन से हैं। जो पहले लिखे हुए हैं वो है डोमिनेंट, जैसे एक्सियल वोयलेट, ये है डोमिनेंट, और जो बाद में लिखे हुए हैं जैसे टर्मिनल वाइट, वो होंगे रिसेसिव। तो फ्लावर पोजिशन एक्सियल टर्मिनल, फ्लावर कलर वॉयलेट वाइट, सीड कलर येलो ग्रीन, सीड शेप राउंड रिंकल्ड, पोड कलर ग्रीन येलो, पोड शेप इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, स्टेम हाइट टॉल ड्वार्फ। क्लियर है? अब नेक्स्ट है मेंडल के लॉज। देखो तीन लॉज थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन्ड बाय मोनो हाइब्रिड क्रॉस और वॉयलेटेड बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, मतलब ये इनकी एक्सेप्शन है वॉयलेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन्ड बाय मोनो हाइब्रिड क्रॉस और वॉयलेटेड बाय नॉन डिसजंक्शन। यहाँ पे ध्यान रखना, नॉन डिसजंक्शन जो होती है बहुत ही रेयर फिनोमिना है, मतलब ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा लॉ है मेंडल का जिसमें एक्सेप्शन नहीं होती, जिसकी वॉयलेशन नहीं होती, तो आंसर जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लास्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन्ड बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस। पहले दोनों लॉस को कौन एक्सप्लेन कर रहे थे? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस कहां पे आया? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, और इसकी वॉयलेशन कौन करता है? लिंकेज। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ मेंडल, कौन सी? ई मैस्कुलेशन एंड बैगिंग। अब ये जो लिखा हुआ है ये आप पढ़ लेना, और ये क्या लिखा हुआ है मैं आपको बोल के बता देता हूं, आपको पूरा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये एक प्लांट है, मान लो ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है। अब इसमें मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। इस प्लांट में मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। अब इस प्लांट में ही दोनों फ्लावर है तो यहाँ पे खतरा है कि सेल्फ पोलिनेशन हो सकती है ना, सेल्फ पोलिनेशन हो सकती है। तो हम इस सेल्फ पोलिनेशन को बचाने के लिए क्या करेंगे, इसके जो मेल फ्लावर है, मतलब सिंपली बोले तो एंथर को रिमूव कर देंगे, एंथर को रिमूव। तो देखो ई मैस्कुलेशन, मैस्कुलैरिटी क्या होती है? मेल के रिलेटेड होती है, तो ई मैस्कुलेटेड मतलब मेलनेस उस फ्लावर से हटा दी, एंथर को रिमूव कर दिया फ्रॉम बाईसेक्स फ्लावर, इसी को बोल रहे हैं ईमैस्कुलेशन। अब क्या होगा, मेल ये रिमूव हो चुका है, खाली फीमेल फ्लावर बचे हैं। अब इन फीमेल फ्लावर को बैग से हमने कवर कर दिया, उसी को बोल रहे हैं बैगिंग। बैग से कवर कर दिया, उसी को बोल रहे हैं बैगिंग। अब ये इनको कवर क्यों किया? कि हमें अनडिजायरेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई भी मेल गैमेट आया और इसको पोलिनेट कर दिया, मतलब हमें अनडिजायरेबल क्रॉस पोलिनेशन रोक लिया, मतलब हमें जो हम जो चाहते हैं वो ही इसको हम मेल गैमेट देंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने भी आके कुछ भी कर दिया, हम जो चाहते हैं वही देंगे, है ना। तो क्रॉस पोलिनेशन को रोका इसने, अनडिजायरेबल क्रॉस पोलिनेशन, ये है बैगिंग सिंपली। ठीक है, देखो अब यहां पे सेक्स डिटरमिनेशन दो टाइप की होती है, एक्स 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 वाई टाइप एंड एक्स 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 जीरो टाइप। अब ये वाली भी दो टाइप की हो सकती है, एक में क्या होगा होमोजाइगस फीमेल है और हेटरोजाइगस मेल है, और इसमें क्या है जेड डब्ल्यू वाली में क्या है हेटरोजाइगस फीमेल है और होमोजाइगस मेल है। ये ऊपर वाली किसमें प्रेजेंट होती है? ह्यूमंस में, और ये वाली जेड जेड डब्ल्यू जेड जेड वाली प्रेजेंट होती है किसमें? बर्ड्स में। और ये वाली में क्या होगा एक्स एक्स होमोजाइगस, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह एक्स एक्स फीमेल है, पर यहां पे वाई क्रोमोसोम अगर अब्सेंट हो तो जीरो आ जाएगी, ये होगा मेल। ये प्रेजेंट होती है इंसेक्ट्स में। ठीक है, अब देखो ये हनी बी का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। हनी बी में क्या होता है? देखो तीन टाइप की होती है, क्वीन, ड्रोन, वर्कर। क्वीन कैसी? फीमेल। ड्रोन मेल, और वर्कर भी फीमेल। अब देखो सिंपल सा है, जो मेल है वो हमेशा हैप्लोइड होगा और जो फीमेल है वो हमेशा डिप्लोइड रहेगी अपने पास। ठीक है, ट्रिक फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को याद करने की ट्रिक, इन पे बार बार ना टाइम वेस्ट करना पड़े, एक ही बार में इनको ऐसा कर लें कि बार बार ये आपको कभी ना भूले, बार बार ना पढ़ना पड़े। ठीक है, देखो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमारे पास दो टाइप के आ जाते हैं, एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो हम अब बारी बारी से डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे, पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर कवर करेंगे फिर क्रोमोसोमल। अब देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास आता है कलर ब्लाइंडनेस, इनके नाम में ही इनकी ट्रिक छुपी हुई है, तो नाम से ही ट्रिक बनाएंगे सबकी। देखो कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस जिसको हो जाती है उसको रेड कलर और ग्रीन कलर डिफरेंशिएट करने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, मतलब वो रेड और ग्रीन कलर को अच्छे से पहचान नहीं पाता, दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता। अब एग्जाम में इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हमें रेड तो याद रह जाता है पर ग्रीन नहीं याद रहता, कभी ऐसा लगता है कि रेड और ब्लू में दिक्कत थी, कभी लगता है रेड और येलो में दिक्कत थी, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक सिंपल सी ट्रिक है इसके नाम से ही, देखो कलर कलर। अब कलर को हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रंग। ठीक है, और रंग क्या, पहला लेटर आर मतलब रेड और लास्ट का जी मतलब ग्रीन।
तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आर से रेड उठाया और जी से ग्रीन उठाया, कलर से आया रंग, मतलब कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ग्रीन के बीच में डिफरेंशिएट करने में मुश्किल हो रही थी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हीमोफीलिया। देखो फिर से वही बात है कि इनके नाम में ही इनकी ट्रिक छुपी हुई है। देखो हीमोफीलिया में क्या है, हमारे पास दो वर्ड आ जाते हैं, हीम और फीलिया। देखो हीम रिलेटेड होता है ब्लड के, हीमोग्लोबिन और ये हीम, ये तो सबको पता होगा कि हीम रिलेटेड होता है ब्लड के, और फीलिया मीन्स लव। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि लायोफिलिक, लायोफोबिक, फोबिक, फोबिया, फोबिया मीन्स डर, और फिलिक, फिलिया मीन्स लव अट्रैक्शन। तो देखो हीमोफीलिया मतलब ब्लड से लव, और जो इंसान जिस चीज से जितना प्यार करता है वो उसे उतनी ही जल्दी दूर जाती है। मतलब अगर किसी इंसान को हीमोफीलिया है, हीम मतलब ब्लड, फीलिया मतलब लव, हीमोफीलिया है मतलब उसको ब्लड से प्यार है, ब्लड से प्यार है तो वो उससे दूर उतना ही जल्दी जाएगा। मतलब उसको क्लोटिंग डिफेक्ट है, ठीक है, मतलब उसको कट लग गया तो उसका ब्लड जो है वो बहना रुकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसे प्यार करता है, प्यार करता है तो वो उतना जल्दी दूर जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल है। हीमो, हीम से ब्लड आया, फीलिया से आया लव, मतलब कोई इंसान ब्लड से लव करता था, लव करता था तो उससे दूर उतनी ही जल्दी जाएगा। दूर जाने का सीधा सीधा मतलब क्लोटिंग डिफेक्ट, क्लोटिंग नहीं होगा, बहता ही जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया। देखो ये तो बहुत आसान है, अगर आपको ये बात पता है कि हीमोग्लोबिन को आरबीसी कैरी करती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन को आरबीसी कैरी करती है, अगर आपको ये बात पता है तो इसमें कुछ नहीं याद करना आपको। देखो नॉर्मल आरबीसी क्या होती है, सबको पता ही होगा, बाय कंकेव शेप होती है। नॉर्मल आरबीसी बाय कंकेव शेप होती है, और इसकी ऐसी शेप होने का एक रीजन होता है, आरबीसी को हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कैरी करना होता है तो वो ज्यादा से ज्यादा कैरी कर सके, इसलिए इसकी शेप ऐसी होती है। तो अब इस शेप से अगर कुछ भी अलग हुआ, मान लो आरबीसी की शेप ऐसी होगी, तो इसको हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कैरी करने में दिक्कत आएगी। मतलब बाय कंकेव शेप से अगर कुछ भी अलग आरबीसी की शेप बनी तो उसको हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कैरी करने में दिक्कत आएगी। इसकी शेप चेंज हुई तो मतलब हीमोग्लोबिन की बॉडी में कमी हो जाएगी, सीधी सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि ये कैरी कम कर पाएगी, इसमें मान लो एक मॉलिक्यूल कैरी कर पा रही है और इसमें चार कर रही थी, तो बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन की कमी को बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, तो बस आपका ये खत्म हो गया। देखो इसमें क्या होता है, आरबीसी जो होती है, आरबीसी नॉर्मल क्या होती है, बाय कनकेव, तो इसमें क्या होता है, आरबीसी सिकल शेप की हो जाती है। सिकल होता है जो सी शेप ऐसे होता है ना, जो किसान वो गेहूं काटते हैं, जिससे सिकल शेप की हो जाती है बाय कनकेव से, तो उसको हीमोग्लोबिन कैरी करने में दिक्कत आती है। हीमोग्लोबिन कैरी करने में दिक्कत आई तो मतलब हीमोग्लोबिन की बॉडी में कमी हुई, और हीमोग्लोबिन की कमी को क्या बोलेंगे, एनीमिया। तो सीधी सीधी सी बात है, आरबीसी की नॉर्मल शेप से सिकल शेप हो गई और उसको एनीमिया हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया। अब देखो जो एनसीईआरटी में लाइंस लिखी हुई है उसको कैसे याद करें, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाई वेलाइन एट सिक्स पोजिशन ऑफ ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसको कैसे याद करें पूरे को, देखो आपको पता है क्रिकेटर था गौतम गंभीर और एक क्रिकेटर था वीरेंद्र सहवाग, जी फॉर ग्लूटामिक एसिड, जी फॉर गौतम गंभीर, वी फॉर वेलाइन, वी फॉर वीरेंद्र सहवाग। अब देखो गंभीर को सब्स्टिट्यूट किया किसने, वीरेंद्र सहवाग ने। क्यों? क्योंकि गंभीर छक्के सिक्सेस कम मारता था और वीरेंद्र सहवाग सबको पता है छक्के ज्यादा मारता था, तो गौतम गंभीर को रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट किया वीरेंद्र सहवाग ने क्योंकि वो छक्के कम मारता था। तो इससे हमें याद आ जाएगा कि सब्स्टिट्यूट किसको किया था, सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ था, जी गौतम गंभीर का, मतलब ग्लूटामिक एसिड का, और किसके द्वारा हुआ था, मतलब बाई वलाइन, वीरेंद्र सहवाग वलाइन। ठीक है, और सिक्स से याद आएगा, छक्कों से याद आएगा, एट सिक्स्थ पोजीशन। ठीक है, तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ना वलाइन ग्लूटामिक एसिड में कंफ्यूज होगा, ना सिक्स्थ पोजीशन आपको भूलेगा। ठीक है, सिंपल सा है। अब नेक्स्ट हमारे पास है फिनाइल कीटोन यूरिया। देखो इसको भी नाम से ही इजीली याद करेंगे, फिनाइल कीटोन यूरिया। सिंपल सी बात है, जिस भी वर्ड के पीछे यूरिया आ जाए, URIA, मतलब वो चीज यूरिन में पास आउट हो रही है। मतलब इसके नाम से ही पता लग गया कि फिनाइल कीटोन जो है वो यूरिन में पास आउट हो रहे हैं। ठीक है, यूरिन में पास आउट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बॉडी में बना होगा जब ही तो पास आउट होगा। ठीक है, और ये कंडीशन अब नॉर्मल है। अब देखो ये बना कैसे, देखो फिनाइल एलानिन होता है वो नॉर्मली क्या होता है, टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन है कि फिनाइल एलानिन नॉर्मली टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, पर इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए थे, अगर वो अब्सेंट हो, उनकी कमी हो जाए, ठीक है, तो फिनाइल एलानिन फिनाइल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिनाइल पाइरुविक एसिड एक फिनाइल कीटो एसिड है। ठीक है, फिनाइल पाइरुविक एसिड एक फिनाइल कीटो एसिड है, और यही अगर यूरिन में पास आउट होगा तो उसी को बोल देंगे फिनाइल कीटोन यूरिया। ये फिनाइल कीटोन जो है वो यही है, फिनाइल कीटो एसिड।
ठीक है, तो फिनाइल एनालिन नॉर्मली टायरोसिन में कन्वर्ट होना था, पर इसको इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए थे उनकी अगर बॉडी में कमी हो गई तो फिनाइल एनालिन फिनाइल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिनाइल पाइरुविक एसिड होता है फिनाइल कीटो एसिड, और यही अगर यूरिन में पास होगा तो इसी के नाम से हमने बना दिया फिनाइल कीटोन यूरिया, यूरिन में पास आउट हो रहा है इसलिए यूरिया, और यहां से नाम उठाया फिनाइल कीटोन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमारे पास लास्ट आ जाता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में एक ही लाइन याद करनी है, उसी लाइन को चिपका देना है, हीमोग्लोबिन में चेन कम था, हीमोग्लोबिन में चेन कम था। अब देखो थैलेसीमिया था से हमें याद आएगा थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में होता क्या है, हीमोग्लोबिन में चेन कम, ठीक है, जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है, ग्लोबिन चेन्स होती है अल्फा बीटा, उनका अगर सिंथेसिस कम हो जाए उसी को बोलते हैं थैलेसीमिया। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में चेन कम था, हीमोग्लोबिन में चेन कम किसमें था से थैलेसीमिया, और अल्फा चेन कम होगी तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा होगी तो बीटा थैलेसीमिया, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर हमारे खत्म हो गए, अब हमारे पास है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। देखो ये हमारे पास तीन टाइप के दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, टर्नर सिंड्रोम, केलाइन फेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। देखो इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, आप एनसीईआरटी का ये वाला पेज इमेजिन करना, और इस पे आपको इमेजिन क्या करना है, जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है उनको आसानी से इमेजिन हो जाएगा कि इस पेज पे तीन डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है, साथ में तीन डायग्राम दिए हुए हैं, एक मेल, एक फीमेल और एक छोटा बच्चा, तो आपको इमेजिन ये करना है कि ये छोटा बच्चा इस मेल और फीमेल का है, बस आपका काम हो गया। अभी ट्रिक देखो, देखो वो जो उस पेज पे डायग्राम कौन से दिए हुए हैं, एक माता है, एक पिता और एक बच्चा, ठीक है, जो फीमेल है और ये मेल और ये उन्हीं का बच्चा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चे को, हमें पता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम थी, मतलब उसको बीमारी थी, उसको बीमारी क्यों थी, क्योंकि माता में पिता के फीचर आ गए थे और पिता में माता के, मतलब जो फीमेल है उसमें मेल के कैरेक्टर्स आ गए और जो मेल है उसमें फीमेल के कैरेक्टर आ गए, ठीक है, और इसी रीजन से उनका डिफेक्टिव बच्चा हुआ। ठीक है, तो ऐसे इसको क्रॉस मार देते हैं कि फीमेल में मेल के फीचर आ गए और मेल में फीमेल के फीचर आ गए और इसीलिए उनका बच्चा डिफेक्टिव हुआ, मतलब टर्नर सिंड्रोम में जो फीमेल है उसमें मेल कैरेक्टर्स आ जाते हैं और केलाइन फेल्टर सिंड्रोम में मेल में फीमेल कैरेक्टर आ जाते हैं और उनका बच्चा इसीलिए डिफेक्टिव हुआ। और अब क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं, देखो एक्स क्रोमोसोम जितने ज्यादा होते हैं उतना फीमेल कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसी से पता लग जाएगा कि ये डबल एक्स होता है फीमेल और एक्स वाई होता है मेल, जितने एक्स ज्यादा होंगे उतना फीमेल कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो नॉर्मल फीमेल क्या होती है, एक्स एक्स, और ये एक्स एक्स उसमें से खत्म हो जाए, एक ही क्रोमोसोम बच जाए, एक ही एक्स बच जाए, मतलब उसमें फीमेल कैरेक्टर कम हो जाएंगे, मेल कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे, तो इसमें एक एक्स क्रोमोसोम अब्सेंट होता है इस फीमेल में, इसीलिए इसका फीमेल कैरेक्टर घट जाता है और मेल बढ़ जाता है, तो ये हो गया टर्नर सिंड्रोम। अब केलाइन फिल्टर में मैंने क्या बोला था, जितने ज्यादा एक्स क्रोमोसोम होंगे उतना फीमेल कैरेक्टर, तो इसमें एक्स बढ़ जाता है, इसमें क्या आया था फीमेल कैरेक्टर, क्यों आया था, क्योंकि इसमें एक एक्स बढ़ गया, एक्स बढ़ने से फीमेल कैरेक्टर बढ़ गया। ठीक है, और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो 21st क्रोमोसोम होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, ट्राइसोमी मतलब मान लो एक क्रोमोसोम की ये दो कॉपी है तो ट्राइसोमी में उसकी तीन कॉपी हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो इस चीज को याद करने की, ये जो मैं बाद में कह रहा था कि बाद में बताऊंगा, जिस डिसऑर्डर्स में हम क्रोमोसोम पढ़ रहे थे, हमने किसी भी डिसऑर्डर में क्रोमोसोम नहीं पढ़े हैं, इन्हीं में किए हैं एक्स एक्स वाई और ये एक्स जीरो, ठीक है, तो जिनमें हम क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं वही हो गए हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, वही हो गया हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और एक और बात जो ध्यान रखनी है कि जिनके पीछे सिंड्रोम आ जाए वो थे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हम ट्रिक टू लर्न एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और प्लियोट्रोपिक जीन, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बार बार याद करना पड़ता है, बार बार भूल जाते हैं, पर सिंपल सी ट्रिक की हेल्प से पहले थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि ये होते क्या हैं, फिर इनके एग्जाम्पल्स की सिंपल सी ट्रिक। अब देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पहले देखो डोमिनेंस क्या होता है, देखो मान लो ये हमारे पास आ गया रेड कलर और ये ब्लैक कलर, इन दोनों के हम होमोजाइगस जीनोटाइप का अगर क्रॉस करा दें तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा अगर वो रेड कलर का हुआ तो रेड डोमिनेंट है और ब्लैक कलर का हुआ तो ब्लैक डोमिनेंट है। अब देखो ये तो हो गया डोमिनेंट, और ये है इनकम्प्लीट डोमिनेंट, मतलब मान लो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब मान लो ये हमारे पास ब्लैक कलर था फादर से और ये रेड कलर था मदर से, ठीक है, इनकम्प्लीट मतलब ना तो फादर का ब्लैक अलील कंप्लीट डोमिनेट कर पाया और ना मदर का रेड अलील, तो हमारे पास रिजल्ट में जो ऑफस्प्रिंग हुआ वो कुछ और ही आ गया, ना तो इसका कंप्लीट डोमिनेंस ना इसका, ठीक है, तो ये होगी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल्स को याद करने की ट्रिक, जो कि मेन टास्क है क्योंकि काफी बड़े बड़े नाम इसमें होते हैं एग्जाम्पल्स में इनके। ठीक है यार, एक फेवर जो आपसे चाहता हूं कि कमेंट में जरूर बताया करो कि जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो समझ में आई कि नहीं, आसान लगी कि नहीं, ताकि मेरे को और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाता रहूं। देखो अब देखो
एक मीरा मीरा किसी लड़की का नाम था, और वो बिना मेकअप के ड्रैगन जैसी दिखती थी, ठीक है, मतलब इनकम्प्लीट मीरा ड्रैगन जैसी दिखती थी, मतलब बिना मेकअप मीरा ड्रैगन जैसी दिखती थी, बिना मेकअप मतलब इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मीरा ड्रैगन जैसी दिखती थी। इनकम्प्लीट से हमारे पास आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और मीरा से आया मेरा बिलिस जलापा, और ड्रैगन से आया स्नैप ड्रैगन। इनकम्प्लीट मीरा लुक्स लाइक ड्रैगन, ठीक है, इनकम्प्लीट स्टैंड्स फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मीरा स्टैंड्स फॉर मीरा बिलिस जलापा, ड्रैगन स्टैंड्स फॉर स्नैप ड्रैगन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद को डोमिनेंस। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था कि ऑफस्प्रिंग बिल्कुल अलग ही आ गया था, ना इसने डोमिनेट किया था ना इसने। और को डोमिनेंस में को का मतलब होता है दोनों, को का मतलब बोथ दोनों, मतलब इसने भी किया इसने भी किया। तो देखो ऑफस्प्रिंग में रेड कलर भी आ रहा है और ब्लैक कलर भी आ रहा है। अब इसके एग्जाम्पल्स को कैसे याद करें, देखो जो सिख होते हैं, सिख सरदार, वो थोड़े अग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, तो उनका कोड वर्ड ही, कोई कुछ भी बोले उनका कोड वर्ड ही होता है कि अबे ओ, मतलब वो गुस्से में बोलते हैं अबे ओ, उनका कोड वर्ड, सिखों का कोड वर्ड अबे ओ, ठीक है, सिखों का कोड वर्ड अबे ओ। जो नॉर्थ इंडियन होंगे वो इस बात को समझ रहे होंगे कि अबे ओ नॉर्मली बोला जाता है, तो सिखों का कोड अबे ओ, अबे ओ, ठीक है, सिखों का कोड अबे ओ। सिखों से हमारे पास आया सिकल सेल एनीमिया, और कोड से आया COD, ठीक है, को डोमिनेंस, को डोमिनेंस, और अबे ओ से आया ABO ब्लड ग्रुप। मतलब को डोमिनेंस के एग्जाम्पल्स हैं सिकल सेल एनीमिया और ABO ब्लड ग्रुप। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, सिखों का कोड अबे ओ, सिखों से सिकल सेल एनीमिया, और कोड से को डोमिनेंस, और अबे ओ से ABO ब्लड ग्रुप। अब को डोमिनेंस के बाद हमारे पास आता है प्लियोट्रोपी। देखो नॉर्मली मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो विराट कोहली है, ठीक है, विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, अगर वो फुटबॉल भी खेलने लग जाए तो, अगर वो बास्केटबॉल भी खेलने लग जाए तो नॉर्मली क्या होता है, एक जीन एक करेक्टर के लिए कोड करता है। मतलब विराट कोहली सिर्फ क्रिकेट खेलता है, पर अगर वो विराट कोहली एक से ज्यादा गेम खेलने लग जाए तो उसको बोलेंगे प्लियोट्रोपी। तो एक जीन, व्हेन वन जीन कोड्स फॉर मोर देन वन, दो तीन कितने भी हो सकते हैं, मोर देन वन फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, मतलब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए कोड करे तो उसको बोलेंगे प्लियोट्रोपी। एक खिलाड़ी एक से ज्यादा गेम खेले, इसको याद रखना, ठीक है। अब प्लियोट्रोपी के एग्जाम्पल्स को कैसे याद करें, देखो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन पे बेस है, और ये भी मैंने ट्रिक सिख से बनाई है, ठीक है। तो जो सिख होते हैं सरदार, उनको क्या होता है, गुरुद्वारे में अगर आपने देखा हो कि जो लंगर होता है, लंगर या भंडारा बोल लो, उसमें क्या होता है, कटोरी या चम्मच नहीं होती, उसमें सिर्फ प्लेट होती है, ठीक है। तो मान लो वहां पे भंडारे में, लंगर में मटर की सब्जी बनी, पीज, ठीक है, मटर मतलब पीज, मटर की सब्जी बनी, तो उनके पास कटोरी या चम्मच तो है नहीं, उनको सिर्फ प्लेट में ही रख के खाना पड़ेगा। तो सिख पीज मटर को प्लेट में खाते हैं, सिख पीज को प्लेट में खाते हैं, क्योंकि जो भंडारा या लंगर होता है उसमें कटोरी और चम्मच नहीं होती, तो वो सिख पीज को प्लेट में रख के खाते हैं। तो सिख से हमारे पास आ गया सिकल सेल एनीमिया, और पीज से आ गया पीज मटर, और प्लेट से आ गया प्लियोट्रोपी, ठीक है। मतलब प्लेट से हमारे पास याद आएगा प्लियोट्रोपी, तो प्लेट में क्या रख के खा रहे थे, पीज, और कौन खा रहे थे, सिख। तो ऐसे ही किसी भी तरह से घुमा के पूछ ले, गलत नहीं होना चाहिए। प्लियोट्रोपी के एग्जाम्पल हो गए पीज और सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब प्लियोट्रोपी के साथ साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये प्लियोट्रोपी के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। प्लियोट्रोपी में क्या था, एक जीन मोर देन वन कैरेक्टर, और इसमें है वन कैरेक्टर और मोर देन वन जीन, और नॉर्मली क्या होता है, वन कैरेक्टर वन जीन, ठीक है। तो वन कैरेक्टर मोर देन वन जीन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और वन जीन मोर देन वन कैरेक्टर प्लियोट्रोपी। और इसके एग्जाम्पल में जो भी ह्यूमंस का आ जाए सभी इसमें ठोक देना, ठीक है, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन आई कलर, ह्यूमन वेट, ह्यूमन हाइट, जो भी ह्यूमन का आ जाए सभी इसमें घुसा देना। अब एक और कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस। देखो पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। मान लो आपको कोई अननोन जीनोटाइप दे दिया जाए, तो उसका जीनोटाइप पता करना है, तो हमारे पास दो रास्ते हैं, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, रिसेसिव पेरेंट, और आउट क्रॉस में हम करते हैं डोमिनेंट पेरेंट। अब इसको याद करने में दिक्कत ये होती है कि रिसेसिव किसमें था, डोमिनेंट किसमें था, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है TRP, ठीक है, जो टीवी में होती है ना, मान लो जैसे बोलते हैं कि कपिल शर्मा शो की TRP बहुत हाई जा रही है, तो वो वाली TRP। TRP मतलब T से टेस्ट क्रॉस, R से रिसेसिव, P से पेरेंट, टेस्ट क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के लिए। तो ये याद हो गया, टेस्ट क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के लिए है, तो आउट क्रॉस अपने आप याद हो जाएगा कि डोमिनेंट पेरेंट के लिए, इसको अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।